हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। सोहना के सरकारी अस्पताल से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां एक महिला डॉक्टर अपने ड्यूटी समय से ज्यादा वक्त तक रुककर मरीजों का इलाज कर रही है। अक्सर डॉक्टरों के बारे में लापरवाही, हड़ताल, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद निजी प्रैक्टिस करने की खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की लापरवाही की खबरों के बीच जब कोई डॉक्टर मानवीय संवेदना के साथ अपने काम को लेकर ईमानदारी और समर्पण के साथ मानवता की सेवा करता है, तो मन में एक सुकून के साथ डॉक्टर के प्रति सम्मान भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी ही एक अच्छी खबर सोहना के नागरिक अस्पताल से सामने आई है, जहां महिला डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा की मेहनत से वहां महिलाओं का न सिर्फ इलाज हो रहा है, बल्कि उन्हें ऑपरेशन के लिए अब दिल्ली और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में खाक नहीं छाननी पड़ रही है। हम लोगों ने यहां पहले कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे, तो जब से हम लोग आए हैं तो काफी ओपीडी में रश ज्यादा रहता है। पहले मरीजों को यहाँ से गुड़गांव जाना पड़ता था, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। अभी करीब करीब हर रोज मिनिमम तो 100 की ओपीडी रहती है दिन। इसके अलावा ऑपरेशन वगैरह भी कुछ गायनियों किए जाते हैं? भगवान की कृपा से सीएमओ सर की हेल्प से, एसएमओ सर की हेल्प से, सीएमओ सर हैं पुनिया सर, उन्होंने बहुत मदद की है और उनकी मदद से यहाँ पे पहला सिजेरियन किया था। उसके बाद अब हफ्ते में होते हैं यहाँ पे, ठीक ठाक सिजेरियन भी हो जाते हैं। मरीजों को जो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हो, जिनको आईसीयू की जरूरत हो, उनको हम यहाँ नहीं रखते, अदरवाइज नॉर्मल सिजेरियन जिनके पहले भी ऑपरेशन हुआ हो, वो यहाँ पे डिलीवरी होते हैं। सोहना का नागरिक अस्पताल डॉक्टर्स की कमी के चलते काफी समय से सुर्खियों में रहा है, लेकिन डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा की तैनाती के बाद से सोहना में महिला रोगियों को काफी फायदा मिला है। डॉक्टर अनुप्रिया सिर्फ महिलाओं का इलाज ही नहीं करती है, बल्कि समय खत्म होने के बाद भी तब तक घर नहीं जाती जब तक वो सभी मरीजों को अच्छे तरीके से देख नहीं लेती है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे मरीजों की सेवा करना अच्छा लगता है। मैं एक पीछे से अच्छे परिवार से हूँ, मुझे सिर्फ समय पूर्ति के लिए नहीं चीजें करनी, मेरे लिए मरीज सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद उसका इलाज बढ़िया होना चाहिए, वो एक सर्वश्रेष्ठ बात होनी चाहिए। और उसके बाद जब मरीज आपके पास ठीक होकर खुशी से आता है तो एक अंदरूनी खुशी बहुत मिलती है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं मरीज को आराम से दूं। सोहना में सिविल अस्पताल में डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा की तैनाती के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं को फायदा मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो इस अस्पताल में कोई गायनोलॉजिस्ट नहीं थी। इसकी वजह से महिलाओं को परेशानी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा के आने से महिला मरीजों में काफी संतुष्टि देखने को मिल रही है। बिल्कुल संतुष्ट, बहुत बड़े प्यार से बोलती हैं, भेदभाव बिल्कुल नहीं करती, ना किसी की सिफारिश वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल। कुछ डॉक्टर भले ही सरकार के निर्देशों को पलीता लगा रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि काम को सर्वोपरि मानकर जनता की भलाई के लिए लगे ही रहते हैं। ऐसा ही नाम है डॉक्टर अनुप्रिया शर्मा का, जो न सिर्फ ईमानदारी के साथ मरीजों का इलाज करती हैं, बल्कि ऑपरेशन के नाम पर डाका डालने वाले अस्पतालों से भी मरीजों को बचाती हैं। सोहना से हरियाणा न्यूज के लिए सतीश राघव की रिपोर्ट।